नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में पावर सेक्टर के वर्स्ट परफॉर्मर स्टॉक, वर्स्ट परफॉर्मेंस इन द सेंस ऑफ की जो टू ईयर के वर्स्ट परफॉर्मर रहे लेकिन पास्ट वन मंथ या थ्री मंथ के सबसे बेस्ट परफॉर्मर स्टॉक आईएक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इसका थंबनेल हम ये लगाएं कि 300 के शेयर 160 पे मिल रहे हैं तो ये कतई गलत नहीं होगा, लेकिन मैं जो मुझे दिखता है, मुझे लगता है कि 1000 का शेयर 161 पे ट्रेड कर रहा है। आखिर वो कैसे, वो आगे जस्टिफाई करें, इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम जो कि बिल्कुल फ्री है उसको ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लेंगे। आईएक्स कामकाज पता है, पावर ट्रेडिंग का ही एक्सचेंज है जैसे बीएससी एनएससी है, और इस समय जो पावर के कंजम्पशन का जो डिमांड है वो काफी फिनोमिनल ग्रोथ के साथ बढ़ते दिख रहा है, वो चाहे ईवी व्हीकल के हो या फिर और भी ईवी सेगमेंट में देखेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पावर सेक्टर के अंदर काफी डिमांड बढ़ते दिख रहा है। इस समय गडकरी जी ने ई हाईवे की बात करी है और ये सब जो डिमांड बढ़ेगा वो पावर एक्सचेंज आईएक्स डायरेक्ट बेनिफिशियरी होते दिखेगा। इस समय कंपनी लगभग 14,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ट्रेड कर रहा है, सेल्स क्वार्टरली हाईएस्ट एवर, ओपीएम 85%, प्रॉफिट लगभग 83 करोड़ का है 109 करोड़ के रेवेन्यू पे, डेट लगभग नेगेटिवल। निगेटिव बात यह है कि एफआई ने कंटिन्यूस माल को घटाए हैं, लेकिन उसी चीज में देखेंगे तो डीआईज के पोजीशन अगेन बढ़ते दिख रहे हैं, ये तो फंडामेंटली हुआ। और एक खबर, आईजीएक्स की लिस्टिंग भी 2024 में दिख सकती है। अब टेक्निकली देखें, इस समय 70 के आसपास का आरएसआई है, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये ओवरऑल राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते दिख रहा है और जो दो साल के कंसोलिडेट फॉर्म थे वहां से ब्रेकआउट होते दिख रहा है। आप देखेंगे 161 के ऊपर का ब्रेकआउट इस स्टॉक को इजिली जो टारगेट दिखाता है, पहला 200 के आसपास, दूसरा 260 और तीसरा 300, तो ये तीन टारगेट तो इजिली दिखते ही हैं, जिसके लिए एसएल चाहे तो 140 के नीचे को ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो मुझे लगता है कि 1000 प्लस तक के लेवल्स भी नेक्स्ट थ्री ईयर में इजिली दिख सकता है। और वन ऑफ द बेस्ट ट्रेंडिंग स्टॉक है, तो शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म निवेशक, सभी निवेशक इस स्टॉक पे एक बार निगाहें फैला सकते हैं। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा, इसके अलावा की क्वेरी कमेंट बॉक्स में लिखें। दूसरे कुछ स्टॉक जैसे पीएनबी है, सेल है, भेल है, पराज इंडस्ट्री है, टाटा केमिकल है, उसके बाद रेन है, ऐसे स्टॉक्स को भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म रडार पे लिया जा सकता है। थैंक यू।